प्रार्थना करता हूँ और जितने भी देर यहाँ मैं खड़ा हूँ मुझे अगुवाई करे कि मैं जिस मकसद से यहाँ आया हूँ वो मकसद को पूरा करे। मैं सभी हमारे हिमालय मिशन चर्च के यूथ यानी के जवान भाई बहनों को यीशु मसीह के नाम में जय मसीह। प्रभु आप सबको आशीष दे, आप बढ़े, आप हिमालय मिशन चर्च के फ्यूचर हैं आने वाले समय के, क्योंकि जब आपका समय आएगा हमारा अंत होगा, क्योंकि आप फ्यूचर हैं। इसलिए आपको हर संगति को मैं जोड़े मिस न करें। तो आइए हम वचन की ओर जाएंगे। वचन भजन संहिता 119 का हम 9 से 11 तक पढ़ते हैं। यहाँ लिखा है भजन संहिता की किताब 119 का 9 से 11 तक यहाँ लिखा है, जवान अपनी चाल को किस उपाय से शुद्ध रखे, तेरे वचन के अनुसार सावधान रहने से मैं पूरे मन से तेरी खोज में लगा हूँ। मुझे तेरी आज्ञाओं की बाट से भटकने न दे। मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में राख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप न करूं। आमेन। और यहाँ से बोलने का विशेष टॉपिक मैं लेकर आया हूँ, स्वर्गीय वस्तु पर ध्यान लगाना, क्योंकि हम इंसान जिस चीज को की ओर ध्यान करते हैं वो चाहे अच्छी चीज में हो चाहे बुरी चीज में हो, दिल से मन से ध्यान से उस चीज में लग जाता है वो पूरा भी होता है। और आपकी ध्यान अगर स्वर्गीय वस्तु पर है, ध्यान देकर आप सुनते हैं, मन लगाकर सुनते हैं, तो आपको स्वर्गीय वस्तु आपके अंदर मौजूद होगा। यहां दाऊद ने बोला, यह लड़कपन के समय की बातें बता रहा है, अपनी चाल को किस उपाय से शुद्ध रखे। एक ही उपाय है, बाइबल धर्म शास्त्र पढ़कर, बाइबल के वचन को पढ़कर सुनकर ध्यान लगाकर हम उस पर अपने हृदय में रख सकते हैं और हम पाप के विरुद्ध लड़ सकते हैं। इसलिए तेरे वचन के अनुसार सावधान रहना चाहिए। हम संसार में हैं, संसार बहुत से अभिलाषाओं से है, बुरी चीज से भरा पड़ा है, लेकिन अच्छी अच्छी वस्तु भी है। सभी चीज बुरी नहीं है, लेकिन परमेश्वर का वचन यही कहता है, संसार की चीजें लोभावनी है, पाप है, लेकिन परमेश्वर का वचन हमें स्वर्ग की ओर लेके जाता है। और जिसने ध्यान से परमेश्वर का वचन सुना, परमेश्वर को वचन माना, आगे के मुताबिक चलता है वो आशीष को प्राप्त करता है। और जो सुनकर ध्यान चर्च तो आते हैं और यहां से स्वर्गीय वस्तु की बातें बताते, चाहे संडे हो चाहे युद्ध सर्विस में हो, हर चीज में ये क्या पूरा बाइबल जो कि स्वर्ग के बारे में लिखी गई है। तो हमें ये बात, ये वचन पूरा ध्यान लगाकर हम सुनते हैं, इसे मगन करते हैं, तो हमारे लिए सबसे उत्तम चीज होगा। इसलिए हम गलत काम में भटक नहीं सकते, गलत काम में से
गलत काम बहुत है, आपको पता है, क्योंकि ये जवान ऐसी समय होता है आपको दशा और दिशा बनाना होता है, यहीं से आपका करियर शुरू करना, किस तरह बनना है। आपने अच्छी वस्तु पर मन लगाया, ध्यान लगाया तो आप अच्छे युवक बन जाएंगे। अगर आपने गलत चीज में अगर मन लगाया है तो आप गलत भी बन सकते हैं। इसलिए दाऊद कहता है हमें अच्छी, वो हर समय परमेश्वर की उपस्थिति में रहता था, परमेश्वर गलत काम से डरता था, इसलिए परमेश्वर से बातें करता था, उसे ज्ञान बुद्धि जो भी चाहिए वो मिल जाता था, क्योंकि उसने ध्यान लगाया, मन लगाया, सब कुछ लगाया, इसलिए परमेश्वर ने उसे इस्तेमाल किया। पत्रस में हम पाते हैं, पहला पत्रस 3:3-4 में यहां लिखा है, तुम्हारा श्रृंगार देखावटी न हो, अर्थात बाल गुणना और सोने के गहने या भौतिक भौतिक कपड़े पहनना, वरन तुम्हारा छिपा हुआ गुप्त मनुष्यता, नर्मता और मन की दीनता अविनाशी सदावर से सर्जित रहे, क्योंकि परमेश्वर की दृष्टि में इसका मूल्य बड़ा है। यहां संत पौलुस ने बोला है परमेश्वर के दृष्टि में मूल्य और बड़ा है। किस चीज के बारे में बताया है? क्योंकि आपने परमेश्वर का वचन को ध्यान लगाया है, स्वर्गीय वस्तु के उस पर ध्यान लगाया है। हम देखते हैं आज ब्यूटी पार्लर हो, नाई की दुकान हो, भरा पड़ा है, सबसे ज्यादा भीड़ लगा हुआ है, 2-3 घंटे समय को व्यस्त कर रहे हो, अच्छे अच्छे चीज से मसाज कर रहे हैं, बाल बना रहे हैं, लेकिन आपको पता है आपको परमेश्वर ने बहुत ही खूबसूरत बनाया है बिना मेकअप के भी। अगर आप परमेश्वर के वचन में मन लगाते तो आपकी मुजरा व चेहरे में भी क्या लाली टपकती है, डाउट बोलता है, क्योंकि परमेश्वर में आप ध्यान लगाते आपका चेहरा मुजराया भी है, बदसूरत भी है, लेकिन परमेश्वर में आप खुश है, परमेश्वर में ध्यान लगाते हैं आप बहुत सुंदर देखेंगे, क्योंकि आपने अच्छी वस्तु पर ध्यान लगाया, मन लगाया, आपके अंदर से अच्छी चाल चलन, अच्छी बातें, अच्छी सोच जब निकलती है तो आपको मेकअप करने की जरूरत नहीं है। 3 घंटे ब्यूटी पार्लर या नई के दुकान में समय व्यस्त करते हैं वो बेकार है, अनेकों प्रकार के चीज लगाते, फिर बाद में 2-3 साल के बाद चमड़ा खराब हो जाता है, बहुत सूरत होते हैं, खराब चीज लगाओगे तो खराब ही होगा, क्योंकि उन्होंने उस चीज में ध्यान लगाया है। लेकिन दाऊद कहता है परमेश्वर पर ध्यान लगाओ, स्वर्गीय वस्तु पर ध्यान लगाओ, आप दुख है, चिंता है, लेकिन परमेश्वर के वचन में आप मगन होंगे, गीतों में मगन होंगे, परमेश्वर के वचन को हृदय में गुनगुनाइए तो आपके चेहरे में लाली टपक जाएगी, आपकी चिंता सब दूर हो जाते हैं। बेकार चीज संसार तो हमें चिंता ही देने के लिए है, लेकिन परमेश्वर का भवन हमें चिंता से मुक्त करता है। हम बहुत से गवाहियां सुनते हैं और संसार में बहुत से लोग आत्महत्या करते हैं, कोई कूद कर मरते हैं, कोई फांसी लगा कर मरते हैं, कोई गोली मार के मरते हैं, कोई नस काट के मरते हैं, क्योंकि उन्होंने उसी चीज पे ध्यान लगाया। लेकिन आप मरेंगे नहीं, आप मरने के लिए यहां नहीं आए, आप जिंदा होने के लिए आए हैं,
जो कि आपको परमेश्वर ने बहुत ही खूबसूरत बनाया है, क्योंकि आपने मन और ध्यान परमेश्वर पे लगाया है। आप बदसूरत नहीं है, क्योंकि आपकी जो बोली है उस खूबसूरत लोगों से बहुत से उत्तम बोली है। आपका चाल ढाल उन खूबसूरत लोगों से बहुत अच्छा है, क्योंकि अगर हम ये वचन पूरा बाइबल का ज्ञान अगर हमारे अंदर है, अगर जब निकलता है ना, तो लोग अच्छे बोल अच्छे शब्द के लिए संसार में बहुत ढूंढते हैं, क्योंकि आप सीखते हैं, वचन पढ़ते हैं, मन में रखते हैं, और वही वचन जब संसार में जाते हैं उस तरह हम बोलते हैं, तो आप एक आदर्शवाद बन जाते हैं। आपकी तरह वो भी बनना चाहेंगे, ये लड़का ये लड़की पहले ऐसा था, इतना श्रृंगार करते थी, इतना वो बातें करती थी, लेकिन इसके कैसे बदल गया वो आपसे पूछेंगे, वो भी आपकी तरह बनना चाहेंगे। ये चमत्कार सिर्फ बाइबल जीवित वचन करता है, इसलिए पहला पत्रस 5:5 में लिखा है, इसी प्रकार हे न्यू युवकों, तुम भी पुरजिनों के अधीन रहो, वरन तुम सब के सब एक दूसरे की सेवा के लिए दीनता से कमर बांधे रहो, क्योंकि परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है, परंतु दीनों पर अनुग्रह करता है। जो गलत काम करते हैं, गलत विचार करते हैं, जो परमेश्वर के विरुद्ध काम करते हैं, और जो दीन होकर प्रभु की सेवा करते हैं, क्या उनकी इनाम एक ही होगा? मान लो चोरी करने वाला चोरी करता है, प्रभु के सेवा करने वाला सेवा करता है, क्या दोनों का एक ही इनाम मिलेगा? नहीं, उनका इनाम अलग अलग है। अच्छा काम करने वाले के लिए अच्छा इनाम है, बुरा काम करने वाले के लिए बुरा इनाम है। इसलिए आपने या मैंने कहां ध्यान लगाया, कहां मन लगाया, अपने आप को सोचे मैं कहां हूं। इसलिए दीनता के साथ हमें काम करना चाहिए। अभी हमने बहन ने सूचना दिया था, हम लोगों से ही नए लोग सीखेंगे। अभी दो नए युद्ध आया, आपसे वो सीखेंगे आपकी सभा कैसा है। अगर आपने अच्छा काम दिखाया वो अच्छा करेंगे, आप भी बुरा काम दिखाएंगे वो भी बुरा करेंगे, क्योंकि आपका जो फल है वो देने वाले हैं, आपसे सीखेंगे। अगर आप चुगली करते होंगे वो भी चुगली सीखेंगे, आप नर्म और दिन से प्रेम से प्यार से बोलते हैं तो वो भी प्यार से बात करने वाले बनेंगे। अभी बहुत अच्छा सूचना बताया, बहुत अच्छा है, ऐसे होना चाहिए। हमारे युद्ध में एक अच्छी गवाही होना चाहिए, जैसे पिछले पुरुषों की संगति में हमारे नन्हेलाल के बेटे ने बहुत अच्छा गवाही दिया, मेरे तो आंसू निकल गया। सुनने वाले लोगों को जब गवाही होना चाहिए सबके युद्ध के जीवन में भी, क्योंकि आप मेरी परिस्थिति में आएंगे तभी समझ पाएंगे। बहुत अच्छा एग्जांपल और गवाही दिया था उन्होंने, ऐसी गवाही होना चाहिए, क्योंकि आप युद्ध को देखकर, आपका व्यवहार को देखकर, आपका बोलने के तरीका देखकर आपके माता पिता भी आपसे सीखेंगे। प्रभु आपसे काम कर रहा है, इसलिए सत्यता से कमर बांधिए, क्योंकि कोई बड़ा काम करना होता तो कमर कसना पड़ता है।
यही यह वचन कहता है। इसलिए हर आप नए जवान लड़कियों के लिए आप यही कहूंगा, भांति भांति के कपड़े या शीशे में टाइम वेस्ट ना करे, क्योंकि जो प्रभु का वचन पढ़ता है, सुनता है, प्रार्थना करता है, उसे श्रृंगार की जरूरत नहीं है। मैं एकदम भीगे हुए मसीह को देखता हूं तो कोई भी न तो काजल लगाती है, न तो कान में कुछ नहीं लगाते, क्योंकि उनके अंदर बहुत अच्छा गहना होता है प्रभु का वचन। उनका चाल चलन, बैठना उठना, बोलना, प्रार्थना करना, वचन पढ़ना, गवाही देना, क्योंकि उन्होंने श्रृंगार जो बनाया वचन से को बोया अंदर, वो निकालते हैं, वही श्रृंगार होना चाहिए। पौलुस कहता है वो व्यर्थ है, हम शीशे के आगे देखते हैं, घंटों भर समय बिताते हैं, वही समय अगर हम बाइबल पढ़े, प्रार्थना करें, उसमें मन लगाए तो शायद आपका जीवन शायद स्वर्गीय वस्तु पर और गहराई से खोजेंगे। इसलिए पहला तीमोथियुस 4:12 में लिखा है, कोई तेरी जवानी को तुझ न समझ न पाए, पर वचन और चाल चलन और प्रेम, विश्वास और पवित्रता में विश्वासियों के लिए एक आदर्श बनना है। हमें परमेश्वर का वचन प्रेम पवित्रता से जो तीन होकर आप यहां बैठे हो, प्रभु का वचन सुनते हो, ध्यान लगाकर वो वचन आपको काम करेगा। अगर आप यहां बैठे हो और आपका ध्यान कहीं और है, ये वचन आपको काम में नहीं आएगा। इसलिए यह बोलता है, मैं आपकी टॉपिक जो बोलता हूं कि स्वर्गीय वस्तु पर ध्यान लगाना। आप समय को इधर उधर मत करिए, जब भी समय मिलता है बाइबल खोलिए, पढ़िए वो वचन क्या कह रहा है, ये वचन मेरे लिए, अगर ये वचन मैं पढ़ूंगा तो मेरे लिए, आप पढ़ते हो तो आपके लिए, क्योंकि जो वचन से भरी पूरी जीवन बहुत अच्छा जीवन होगा, बहुत आनंद का जीवन होगा। आपको चिंता वाली बात भी आएगा, लेकिन वचन जो कि आपको हिम्मत देता है, ताजगी देता है, क्योंकि चिंता करने वाले के साथ प्रभु नहीं रहता, जो खुशी और आनंद जो वचन को खोजी करते उनके साथ हमेशा रहते हैं प्रभु। इसलिए पहला कुरिन्थी 15:50 से हम पढ़ते हैं 54 तक, यहां लिखा है,